हेलो, कैसे हो आप सब? मैं आप सबको संगीता का प्यार और दिल से दुआ है कि प्लीज आप सब खुश रहिए। तो मैं आज नहा के तैयार होके मैंने पहले सब सारा काम कर लिया, उसके बाद मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं यही करीब अभी 2 बज रहे हैं, 2 बज गई है, 2 बजे मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। तो आज मैंने एक, पता नहीं उनका नाम तो मैं भूल गई, रात को मैंने उनका एक वीडियो देखा था। वो निराश होके मतलब बोल रही थी कि अब मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी और मेरा वीडियो कोई पसंद नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसी बातें वो बता रही थी। कौन यूट्यूबर थी मैं उनका नाम तो खैर भूल गई, मैंने उनके वीडियो पे कमेंट भी किया था, लेकिन फिर मुझे उस टाइम से बुरा लग रहा है कि पता नहीं कैसे कैसे वो इस तरीके से बोल रही थी। हम भी नए हैं, अगर मैं भी सक्सेस नहीं हुई तो मैं भी यूट्यूब बंद कर दूंगी, वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। वैसे किसी की पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर, ये तो मेरी खुशी से और मेरी इच्छा से मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे शेयर करना, नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं भी बना रही हूँ। वो भी इसी तरीके से बनाती थी। आप पता नहीं उनके वीडियो पसंद नहीं हुए या कब से वो बना रही थी, मैंने इतनी जानकारी नहीं ली, मैंने बस वीडियो देखा और मुझे दिल को छूने वाली बात लगी तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। एक दिन ऐसा आएगा अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं भी ये चैनल बंद कर सकती हूँ, क्योंकि सबके दिल में ये बात आती है ना कि अगर वीडियो नहीं चले या कोई मजाक बन जाता है सबकी जीवन में। अब मैं रहती हूँ यहाँ पर गली में, और भी लेडीज़ हैं, अगर उनको भी नहीं मतलब पता चले कि मैं वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पर डाल रही हूँ, और अगर सक्सेस नहीं हुई तो मुझे भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अपना मजाक तो बना नहीं सकते। इसलिए उनकी बात थोड़ी सी मेरे को ऐसी लगी, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किए। लेकिन मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, हार इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए, पर अपना अपना सबका रहता है, क्या बोल सकते हैं। चलिए, लेकिन आप सबसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ अगर छोटे छोटे यूट्यूबर भी अगर एक होके अगर किसी की हेल्प करते हैं तो कोई आगे जा सकता है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये आपकी आपकी सोच है, आपका फैसला है। चलिए, अब मैं कपड़े निकाल के लेके आई हूँ, ऊपर से फोल्ड करूँगी। मेरा हाथ दर्द कर रहा है मोबाइल पकड़ के, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि आपको पता है ना मेरे पास स्टैंड नहीं है, और इसी तरीके से मैं मतलब इसे पकड़ पकड़ के बात करो तो थोड़ा सा वो लगता है। देखते हैं आगे जाएंगे तो स्टैंड भी लाएंगे, नहीं जाएंगे तो बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं कपड़े आपको दिखाती हूँ, ये मैं कपड़े लेके आई हूँ। तो मैं बस ये कल बेडशीट जो धोई थी मैंने, ये इनके सबके फोल्ड करूँगी यहाँ बैठे बैठे। तो मैंने सोचा चलो पहले आपसे बात कर लूँ। कल का ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रही हूँ ये कल आएगा। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब का तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सब बने जरूर रहिएगा मेरी वीडियो में। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, मैंने आपसे थोड़ी बात की, ये कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ मैं। ये दोपहर का समय है, और समय कोई सा भी हो, हाउसवाइफ के कभी काम ख़त्म ही नहीं होते, ये तो पक्का है। आप सब भी एक हाउसवाइफ हैं, तो ये सब मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने कल जो आटे पिसवाए थे उनको सबको भरना है डब्बों में, छान छान के मैं भर दूँगी। गेहूँ का आटा तो मैं ऐसे ही भर लेती हूँ,
फिर बाकी के सब मैं छान के भरती हूँ। तो ये सब मैंने रख दिया है छोटे कपड़े में, वो टोकनी में रख देती हूँ। और ये मेरे बच्चे को मैं खाना देने जा रही थी। इसके बाद जो बड़ा डब्बा दिख रहा है आटे का, उसमें मैं ये थैली डाल दूँगी। गेहूं की, जो गेहूं का आटा है वो बड़े डब्बे में पिसवाते हैं, क्योंकि हम इकट्ठा पिसवा लेते हैं, बार बार दौड़ना नहीं होता है चक्की में। तो इसलिए अब मैं सारा आटा उस कोठी में डाल दूंगी और उसमें भर लेंगे सारे आटे को। और ये जो छोटी छोटी थैलियाँ दिख रही है, इनको सबको मैं छान के भरूंगी। और अभी मैं जो छान रही हूँ, ये दलिया है, दलिया को भी मैं दो तीन प्रकार से छानूंगी। आटा अलग करूंगी, गेहूं अलग करूंगी और दलिया अलग कर लूंगी। इस तरीके से मैं सब छान लूंगी। छान के भरने से आटा जब लेते हैं उस समय दिक्कत नहीं आती है, जैसे ज्वार का आटा हुआ, बेसन हुआ, ये सब चीज़ें। मैं इस तरीके से सब छान छान के डब्बों में भर लूँगी, क्योंकि ये फिर पहले बाद में करो तो फिर उस समय इधर उधर करना पड़ता है, लेते समय छानना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, मैंने एक में दलिया, ज्वार का आटा, बेसन और जो दलिया से आटा निकला है वो अलग भर के रख दिया है। अब मैं आपको ये जो प्याज के छिलके दिखा रही हूँ, पता है ये छिलके लहसुन और प्याज के हैं, तो इसको मैं रात भर, दिन भर, एक दिन के लिए पानी में गला के रख दूंगी। ये वाला पानी पौधों में डालने से पौधों में फूल बहुत अच्छे आते हैं। एक मैंने खाली डब्बा लिया, उसमें पानी भर लिया, और उसमें जो ये जो प्याज के सारे छिलके थे, ये छिलके सब पानी में अच्छे से दबा दबा के डुबा देंगे। तो पानी, जैसे अभी कैसा पानी दिख रहा है, एकदम वाइट, पूरा कलर छोड़ देगा पानी का। और ये मैं हैंकी टक करके कहाँ तो चली, मैं हैंकी टक करके, वैभव लक्ष्मी माता के, मतलब शुक्रवार का उद्यापन है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ये 6 बजे के करीब की बात है। जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मैं तैयार होती हूँ, अपने आप को कैमरे में लेके आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से, नहीं तो मैं कैमरे से बहुत दूर भागती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यूँ ही मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।